Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, skeletal system and nervous system of your science book. What are the functions of skeletal system? Last हमने lecture में पढ़ा था कि skeletal system होता क्या है, ठीक है? उसमें हमने बताया था कि skeletal system में skull, rib cage, backbone, limbs इस चीज को explain किया था, ठीक है? मतलब जितना भी आपका बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज योर स्केलेटल सिस्टम. जो आपकी बॉडी में जितने भी बोन्स का स्ट्रक्चर है दैट इज स्केलेटल सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड. अब अगर हमारी बॉडी के अंदर ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ना तो हमारी बॉडी को शेप मिल सकती है, ना ही हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है? तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेंगी और हमारा बॉडी सिस्टम जो होगा अपने आप स्टैंड अप करने में कैपेबल नहीं है, तो उसको बोनी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक है? तो बोनी स्ट्रक्चर जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आर डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिबकेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स एंड द बैकबोन एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, रिबकेज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो हमारे डेलिकेट और सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलती है. जैसे स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? स्कल के अंदर हमारा डेलिकेट ब्रेन प्रोटेक्टेड है, रिब केज के अंदर हमारा हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड है, और बैकबोन के अंदर हमारी स्कल प्रोटेक्टेड है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे ये जो बोनी स्ट्रक्चर हैं ये अलग अलग बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. स्केलेटल सिस्टम अलोंग विद मसल्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. स्केलेटल सिस्टम मसल्स की हेल्प से, मसल के साथ मिलकर जो है वो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है? सिर्फ स्केलेटल सिस्टम ही मूवमेंट कॉज नहीं कर सकता, सिर्फ मसल्स भी मूवमेंट कॉज नहीं कर सकती. स्केलेटल सिस्टम अलोंग विद द मसल्स कॉज मूवमेंट. बोन्स कंटेन्स बोन मैरो. बोन के अंदर एक आपका फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है? जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, RBC सेल, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. जॉइंट्स. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट. जॉइंट्स वो पार्ट होता है हमारा जहां पर हमारे दो जॉइंट्स. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट. जॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहां पर आके दो बोन्स जो होती हैं आपकी ज्वाइन अप होती हैं, जुड़ती हैं. बोन्स आर जॉइंट टुगेदर थ्रू द टफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. अब दो बोन्स को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको बोलते हैं लिगामेंट. लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर विच होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट्स. लिगामेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट जॉइंट्स बाय चेकिंग द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. तो जॉइंट वो प्लेसेज है जहाँ पर आकर दो बोन्स जुड़ रही हैं, और दो बोन्स को जोड़ने वाले टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट. बोन्स अपने आप में टिश्यू हैं और दो बोन्स को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको बोलते हैं लिगामेंट. तो लिगामेंट आपका स्ट्रॉन्ग और टफ फाइबर है जो दो बोन्स को होल्ड अप करता है, इकट्ठा करता है एट द जॉइंट्स, ठीक है? और लिगामेंट्स का काम होता है जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करना और बोन्स की मूवमेंट को चेक करना, ठीक? तो जॉइंट्स जो होते हैं दे कैन बी मूवेबल और इमूवेबल. ऑल द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द स्कल. अब अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो हम ये मूवेबल और इमूवेबल बोलते हैं, लेकिन सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो आपके मूवेबल होते हैं सिर्फ अगर आप स्कल को छोड़ दो तो, ठीक है? स्कल में बहुत सारी बोन्स इकट्ठी जुड़ी हुई हैं जो आपके स्कल को एक फिक्स शेप दे रही हैं और आपके स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? स्कल इज़ द पार्ट. स्कल एक ऐसा जॉइंट है. स्कल पे ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी बोन्स जो हैं वो इकट्ठे जुड़ी हुई हैं और अपने आप में एक फिक्स शेप बना रही हैं, लेकिन ये एक इमूवेबल जॉइंट्स बनाते हैं स्कल में, ठीक है? और ये स्कल जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ए फिक्स
जॉइंट मूव्स लिटल. एक फिक्स जॉइंट जो होता है वो आपका लिटल मतलब ना के बराबर मूव करता है. तो आपका स्कल में एक सिर्फ ऐसे जॉइंट है जो मूवेबल नहीं है, बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं सारे मूवेबल हैं. जहाँ पर आपकी दो बोन्स जुड़ती हैं और दो बोन्स के जोड़ने वाले टिश्यू को बोलते हैं लिगामेंट्स. ईच मूवेबल जॉइंट्स मूव इन ए सर्टन डायरेक्शन एंड इन ए डिफरेंट वे एंड प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी. अब मैंने अभी बताया कि सारे जॉइंट्स मूवेबल हैं, सिर्फ स्कल को छोड़ दिया जाए. अब जैसे आप अपने लेग में ही देखो, नी वाला पार्ट दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, ये नी जॉइंट है आपका. इसमें क्या है, ये आपका मूवेबल जॉइंट है, ठीक है, और ये एक सर्टन डायरेक्शन में मूवमेंट कॉज करता है आपका एंड इन ए डिफरेंट वे एंड प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी. तो हर जॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कॉज करता हुआ आपकी बॉडी में मूवमेंट कॉज करता है, फ्री मूवमेंट कॉज करता है. द जॉइंट्स आर कवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज. अब जॉइंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं उससे कवर्ड है, विच प्रिवेंट्स द बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. ताकि आपकी बोन्स जो है वो लगातार मूवमेंट कॉज करती हैं, तो वो मूवमेंट कॉज करती हुई उनके अंदर जो रबिंग होती है, दो बोन्स के बीच में जो रबिंग होती है वो उसकी मूवमेंट को सफर ना कराए, तो उसके अंदर एक अलग टिश्यू है दैट इज नोन एज कार्टिलेज. इट ऑल्सो होल्ड्स द बोन्स टूगेदर एट द जॉइंट्स. ठीक है, तो ये बोन्स की जॉइंट्स में इट ऑल्सो होल्ड्स द बोन्स टूगेदर एट द जॉइंट्स. एक तो ये जॉइंट्स में बोन्स को टुगेदर रखता है, होल्ड अप रखता है, दूसरा बोन्स की रबिंग को प्रिवेंट करता है. ठीक है, जैसे आप ये देखो आपके दो मशीन के पार्ट्स हैं, लगातार आप मशीन चलाते हो, चलती रहती है मशीन, चलती रहती है, तो वो उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आपस में जर्क करते नहीं करते, और अगर आप उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग ना करो तो वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, होता है ना ऐसे. लेकिन ये तो हमारा नेचुरल बॉडी पार्ट है, ठीक है, तो इसके बीच में गॉड गिफ्टेड है कि एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो जॉइंट्स को कवर कर रहा है और आपके बोन्स के बीच की जो मूवमेंट है, दो बोन्स जो मूवमेंट कॉज करते हैं एट द जॉइंट, आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं. ठीक है, बोन्स आर कनेक्टेड, तो उनकी मूवमेंट जो है जब आपस में एक दूसरे के ऊपर से निकलती हैं वो बोन्स, तो वो रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ना हो. ठीक है, रबिंग अगेंस्ट ईच अदर ना हो, तो एक डिफरेंट टिश्यू, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट इज नोन एज कार्टिलेज, दिस कवर योर जॉइंट टू हैव ए बेटर मूवमेंट इन द. अब द मेन टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आर बॉडी आर. अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मूवेबल जॉइंट्स हैं. फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड हिंग जॉइंट, थर्ड पिवट जॉइंट एंड फोर्थ ग्लाइडिंग जॉइंट. अब इन जॉइंट्स को हम वन बाय वन समझेंगे. अब द मेन टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आर बॉडी आर. अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मूवेबल जॉइंट्स हैं. फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड हिंग जॉइंट, थर्ड पिवट जॉइंट एंड फोर्थ ग्लाइडिंग जॉइंट. अब इन जॉइंट्स को हम वन बाय वन समझेंगे. फील योर नी. अपने नी को अगर आप जैसे उठते हो, बैठते हो, चेयर के ऊपर वॉक करते हो, ठीक है, तो आप क्या फील करते हो कि आपकी हिंग जॉइंट में जो आपकी अपर लेग और लोअर लेग का लोअर लेग की बोन्स जॉइन अप है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में, आगे पीछे, ठीक है. इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ हिंग जॉइंट, हिंग्स ऑफ अ डोर. जैसे आपका डोर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस आगे वाले पार्ट से जो आपका जिसे आप चौखट बोलते हो, ठीक है, तो उसमें हिंग्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो हिंग जॉइंट जो है वो इसी तरह से ही काम करता है आपका, आपकी एल्बो में, आपके फिंगर्स में और आपके टोज में हिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है. दीज कॉजेस ओनली मूवमेंट इन द बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. आगे पीछे चीज मूव करती है, बॉडी पार्ट मूव करता है, ठीक है, ओनली द बॉडी पार्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, ठीक है. तो इसमें आपके क्या आ गए, एल्बो, ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो जो आपको स्लाइड में दिखाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका नी का दिखाया हुआ है, हिंग जॉइंट्स ऑफ द नी, ठीक है. अदरवाइज आप एल्बो में भी बड़ी इजीली फील कर सकते हो, ठीक है,
जिसमें आपका अपर आर्म और लोअर आर्म जुड़ी हुई है। तो इस तरह से दीज आर हिंज जॉइंट्स दैट कॉज मूवमेंट ओनली बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट पिवट जॉइंट, इट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द अपर मोस्ट वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन। इट लेट्स यू मूव योर हेड अपवर्ड डाउनवर्ड साइड वे। तो पिवट जॉइंट कहाँ पर है? पिवट जॉइंट है आपका स्कल, स्कल जिसमें आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और साथ में जो आपकी बैकबोन है, बैकबोन के अंदर आपका बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी बोन्स है जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली आपकी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा इज द सिंगुलर ऑफ वर्टिब्रे, ठीक है। तो वर्टिब्रेज बहुत सारे हैं आपके जिससे आपकी बैकबोन बनी हुई है और बैकबोन के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। तो स्पाइनल कॉर्ड जाकर ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोन्स की बात करें तो आपका स्कल भी क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ बोन्स। तो ये भी, इसमें भी आपकी बहुत सारी बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं, लेकिन ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। तो आपकी बैकबोन का जो बिल्कुल लास्ट वर्टिब्रा है वो आपके स्कल से पीछे से कनेक्टेड है, ठीक है, फ्रॉम द बैक, क्योंकि आपकी बैकबोन ही बैक में है। तो इट लेट्स यू मूव, तो इससे क्या होता है, आपका जो हेड है वो अपवर्ड डाउनवर्ड और साइड में ही मूव करता है। तो पिवट जॉइंट इज अ जॉइंट दैट गिव्स मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइड। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स लाइक रिस्ट, एंकल और द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। अब ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट आपका प्रेजेंट है जहाँ पर आपकी जैसे रिस्ट हो गई, ठीक है, आपका हैंड है ना और आपकी आर्म है, उसके बीच का जो जॉइंट है जिसे रिस्ट पार्ट बोलते हो, तो वहाँ पर आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट है। एंकल, ठीक है, आपका फुट है और आपकी लेग, उसके बीच की जो जॉइंट है एंकल जिसे बोलते हो, ठीक है, और साथ में स्पाइन जो है और द वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। स्पाइन बोला हुआ है आपके बैकबोन को, बैकबोन में आपके छोटे छोटे वर्टिब्रे हैं, मतलब छोटी छोटी बोन्स हैं विच आर जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो आपकी बैकबोन के अंदर जो वर्टिब्रे हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, दे आर जॉइंट टुगेदर बाय अ जॉइंट नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट। अब आपका लेक्चर जो है बेटे आज यहीं तक ही है, मैंने आपको जॉइंट सारे समझा दिए हैं, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है और डायग्राम्स को बुक से और साथ में जो आपको स्लाइड्स में दिखाए हुए उनको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।